Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to start our unit 5, that means chapter 5, that is circle. Circle means goal. So let's listen, read and draw in this chapter. One day Mohini was sitting with her grandmother. One day, एक दिन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. मोहिनी, मोहिनी कौन है? दिस गर्ल. सो मोहिनी जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठी थी. ग्रैंड मदर मीन्स उसकी दादी के साथ. सो हियर यू कैन सी अ दादी. सिटिंग मीन्स बैठना. तो मोहिनी एक दिन क्या अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी. ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल. तो उसकी दादी ने एक सर्कल ड्रॉ किया. ड्रू मीन्स एक सर्कल को ड्रॉ किया. कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी? तो उसकी दादी ने उसे पूछा, मोहिनी क्या तुम भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मोहिनी की दादी और मोहिनी ने एक सर्कल ड्रॉ किया है. सो मोहिनी सेड यस आई कैन. मोहिनी ने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ. सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल. और फटाफट से जो मोहिनी थी उसने क्या किया, मोहिनी ने एक सर्कल ड्रॉ किया. नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल. अब मोहिनी बोलती है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं एक बॉल को ड्रॉ करूँगी. ड्रॉ मीन्स उसकी ड्राइंग बनाना. ग्रैंडमदर ड्रू थ्री लाइंस ऑन द सर्कल. तो ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने इस सर्कल में तीन लाइन बनाई. मोहिनी ड्रू थ्री लाइंस ऑन हर सर्कल. मोहिनी ने अपने सर्कल में तीन लाइंस बनाई. इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल. अब वो एकदम बॉल जैसा दिख रहा था. लुक्ड लाइक मीन्स एकदम बॉल के जैसा दिख रहा था. नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून. Grandmother added a zigzag line to the circle. अब grandmother जो थी मोहिनी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अब हम बलून बनाते हैं. बलून मतलब गुब्बारे. और उसमें उन्होंने बलून बना के उसमें zigzag जो लाइन थी उसको ड्रॉ किया. ओके, zigzag का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी. Now let's move. Oh, it really looks like a balloon. तो मोहिनी बोलती है कि कितना अच्छा, ये एकदम बलून के जैसे दिख रहा है. एकदम गुल्ल जैसे गुब्बारे होते हैं उसके जैसे लग रहा है. मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय. एंड मोहिनी ने क्या किया, जॉय से, जॉय मींस हैप्पी से, मतलब खुश होके उसने तालियां बजाई. मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स. मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल्स बनाए. बिग एंड स्मॉल सर्कल्स. तो उसने कैसे सर्कल बनाए, बिग, बिग मीन्स बड़े, स्मॉल मीन्स छोटे, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्कल्स. और उसने अलग अलग कलर के सर्कल्स बनाए. तो कौन कौन से कलर के सर्कल्स बनाए, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो. एंड शी ऑल्सो एडेड zigzag लाइन्स टू दिस. और उसने इस बलून में काफ़ी सारी zigzag लाइन्स भी बनाई. यू कैन सी हियर दिस आर zigzag लाइन्स. एंड नाउ देयर वर मैनी बलून्स. अब बहुत सारे बलून्स इन लोगों ने बनाए. कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल. क्या आप एक सर्कल से और कुछ बना सकते हैं, आस्क ग्रैंड मदर. तो ऐसा उसकी ग्रैंड मदर जो थी उसने पूछा. यस सेड मोहिनी. तो मोहिनी ने कहा यस मैं और भी बहुत कुछ बना सकती हूँ. शी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन, अ रैबिट एंड हर ओन फेस. तो अब मोहिनी ने सर्कल बना के क्या क्या ड्रॉ किया. तो उसने एक व्हील बनाया. व्हील मतलब एक पहिया बनाया उसने. मून यानी कि एक चांद बनाया उसने. सन यानी सूरज बनाया. रैबिट, रैबिट का मतलब खरगोश बनाया. और उसने अपना खुद का फेस बनाया यानी उसने अपना खुद का चेहरा बनाया. सो दिस इज आर चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. नाउ लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स इन द चैप्टर. बॉल. बॉल मीन्स जो हिंदी में से कहते हैं गेंद, यानी कि जिससे आप बैट और बॉल खेलते हो. ठीक है,
ब्लू, ब्लू मीन्स वन काइंड ऑफ कलर. सर्कल, सर्कल मतलब गोल होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ बनाया हुआ है. लाइंस, लाइंस के मतलब हिंदी में अगर बोले तो रेखा कहते हैं, लाइंस कहते हैं. मून, मून का मतलब होता है चांद. लेट्स रीड. आई कैन ड्रॉ अ सर्कल, यानी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ. आई कैन ड्रॉ अ सर्कल. नेक्स्ट इज द मून इज राउंड. मून कैसा है? राउंड, यानी वो सर्कल ही है. सर्कल और राउंड एक ही होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव. रीडिंग इज फन. व्हाट डिड ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट, यानी कि ग्रैंड मदर और मोहिनी ने सबसे पहले क्या बनाया था? सो द ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रू अ सर्कल. व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रू? मोहिनी ने जो बलून्स बनाए थे वो कौन कौन से कलर के थे? सो द कलर्स ऑफ द बलून्स वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ इन द सर्कल्स बिलो. ड्रॉ, तो फर्स्ट सर्कल में आपको क्या करना है? जो ग्रैंड मदर ने ड्रॉ किया था वो, एंड इन द सेकेंड जो मोहिनी ने ड्रॉ किया था वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है. नाउ लेट्स सी हियर, लुक एट दिस शेप्स. सो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं. यू कैन सी फर्स्ट इज ट्राइंगल्स. ये तीन लाइन से जो बना है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल. नेक्स्ट यू कैन सी यहाँ पे फोर लाइन से एक बना है, और ये जो शेप है इसकी सारी साइज इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर. ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? दो जो साइज होती हैं, दो अपोजिट साइज, वो इक्वल होती है. ओके, नाउ ट्राई मेकिंग दिस शेप्स इनटू. तो इन शेप्स का यूज़ करके आप एक कार बना सकते हो, यू कैन मेक अ हाउस, एक घर बना सकते हो, यू कैन मेक अ डोर एंड एनीथिंग एल्स, यानी आप इनमें से कोई भी चीज़ इन सभी शेप्स का यूज़ करके बना सकते हो. लेट्स मूव. ड्रॉ अलॉन्ग द डॉट्स. सो व्हाट डिड यू मेक? कैन यू मेक साउंड्स लाइक अ ट्रेन? यहाँ पे इन डॉट्स को ज्वाइन करके आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ ट्रेन. दिस इज अ ट्रेन, यू कैन सी हियर. ओके, आपको इन सभी डॉट्स को, ये जहाँ आपको रेक्टेंगल दिए हैं इसमें ही, स्क्वायर दिए हैं आपको, सर्कल्स दिए हैं, इन सभी को आपको ज्वाइन करना है एंड यू कैन मेक अ ट्रेन. सो ट्रेन कैसी आवाज़ करती है? छिक 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 छिक, है ना? यस, सो डू दिस. नाउ लेट्स मूव. ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो आपके पास यहाँ पे एक बलून दिया है, आपको दिखा है ना. अब एक में तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक फेस ड्रॉ किया है, तो जो सेकेंड बलून है उसमें भी आप अपनी इच्छा से किसी भी तरह से आप इसको एक फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव. लेट्स रीड एंड राइट. यहाँ पे हमको रीड करना है एंड राइट, यानी कि लिखना है. सो यू कैन सी हियर ए बी सी डी ई एंड एफ. सो आपको इसको ट्रेस करना है. ओके, नेक्स्ट इज जी एच आई जे K and L. So again you have to trace this. Next is M N O P Q R. So trace this also. Now let's move to next page. So here you can see mango. M A N G O. Mango. Mango means arm. So trace this. नेक्स्ट इज एन यू टी नट. नट का मतलब होता है जैसे मूंगफली हो गई, सो मूंगफली क्या है? एक तरह का नट है. या फिर जैसे आलमंड है, कैशवनट है, जो काजू बादाम है, दे आर नट्स. ओके, नेक्स्ट इज ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. ऑरेंज यानी कि
जो हम संतरा बोलते हैं उसे हम ऑरेंज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पीच, पी ई ए सी एच. सो पीच इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फ्रूट. ओके, सो राइट दिस थिंग, ट्रेस दिस स्पेलिंग. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, तो आपको उसको देखना है और इसको फिल करना. तो ऑलरेडी नेम इज ऑलरेडी गिवन हियर, यू कैन सी. फर्स्ट वन इज डी ओ जी, डॉग. नेक्स्ट इज बी यू डबल एल, बुल. ओके, थर्ड वन इज ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. ओके, एलिफेंट यानी हाथी. नेक्स्ट इज ओ डब्ल्यू एल, आउल. आउल मीन्स उल्लू. नेक्स्ट इज एच ओ आर एस ई, हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. एंड लास्ट वन इज यू कैन सी सी ए टी, कैट. कैट मतलब बिल्ली. सो हियर आवर स्टोरी एंड द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 इज ओवर. अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.